हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे DPCM डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था पल्स कोड मॉड्यूलेशन। पल्स कोड मॉड्यूलेशन का जो डिसएडवांटेज और डिमेरिट है उसको दूर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं DPCM। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट जो है सैंपल का एम्पलीट्यूड को हम लोग क्वांटाइज्ड करके इनकोड नहीं करते हैं, बल्कि दो सक्सेसिव सैंपल के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग क्वांटाइज्ड करते हैं और उसके अनुसार से हम लोग इसको उसको इनकोड करके फिर ट्रांसमिट करते हैं और उसी के अनुसार से हम लोग क्या करते हैं, मैसेज को सेंड करते हैं। ओके, तो देखते हैं कि से क्या होता है DPCM और क्यों इसका यूज कर रहा है। तो चूँकि एक डिसएडवांटेज है PCM का एक डिसएडवांटेज ये है कि इसमें रेडुडेंट इन्फॉर्मेशन जो होते हैं, बार बार जो इन्फॉर्मेशन सेम होता है वो ज़्यादा आ जाते हैं, क्योंकि हम जब क्वांटाइज्ड करते हैं तो अप्रोक्सीमेट मानते हैं। जैसे 2.8 को भी 3 मानेंगे, 2.9 को भी 3 मानेंगे, 2.6 को भी 3 मानेंगे। डैट मीन्स एक ही मैसेज 2.8, 2.9, 2.6 ये सब 3 के ही आसपास है। मतलब सेम मैसेज आए तो उसको सेम हमको 3 को 3 बार इनकोड करना पड़ेगा, तो इससे क्या होगा कि रेडुडेंट मैसेज जो होता है बार बार आने लगता है, ये एक डिमेरिट होता है। जैसे यहाँ देख रहे हैं कि 6 जो है इसके लिए है, 4 टाइम के लिए भी आया, 5 TS के लिए भी और 6 TS के लिए है, 110 110 110 110, मतलब 6। इस मैसेज को इनकोड करने के लिए 6 को हमको बार बार इनकोड करना पड़ेगा, जिसके कारण क्या होगा कि इसे एक ही मैसेज बार बार भेजा जाएगा। तो हम ऐसा मतलब सिस्टम अब निकालते हैं जिसमें कि हम ये एम्पलीट्यूड, इसका एम्पलीट्यूड जो सैंपल का एम्पलीट्यूड ना भेज के दो सैंपल के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम लोग भेजें, ताकि क्या होता है कि इसे रेडुडेंट इन्फॉर्मेशन हमको ना मिले, इसीलिए हम लोग DPCM यूज करते हैं। तो देखते हैं क्या होता है DPCM और PCM। जैसे कि PCM में हम लोग क्या करते हैं, PCM में देख रहे हैं कि यहाँ पे एक सैंपल ये है, एक सैंपल ये, एक सैंपल ये, एक सैंपल ये, 3.1 3.5 2.5 2.6, ये सैंपल का एम्पलीट्यूड को हम लोग क्वांटाइज करते हैं। मतलब 3 है तो 1 है तो इसको 3 मानेंगे, 3.5 को 3 या 4 के बीच 4 भी मान सकते हैं, 2.5 को वही 3 या 2 मान सकते हैं, लेकिन 2.6 है तो इसको क्या मानेंगे, 3 मानेंगे। तो ये जो अप्रोक्सीमेट राउंड अप सिंगल ये है एम्पलीट्यूड है उसको हम लोग क्या करते हैं, क्वांटाइज करते हैं, तब उसको हम इनकोड करके फिर ट्रांसमिट करते हैं। लेकिन DPCM में ऐसा नहीं था। DPCM में क्या होता है कि वही मैसेज है उसमें दो सक्सेसिव मैसेज, मतलब एक 3.1 है और दूसरा 3.5 है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 0.4। तो इस 0.4 को हम एरर मान के और इस सिग्नल को क्या करते हैं, हम लोग क्वांटाइज करते हैं। ओके, और फिर इसको इनकोड करते हैं और उसी को हम ट्रांसमिट करते हैं, फिर नेक्स्ट में वही सिग्नल को रिसीव करते हैं। तो इसमें हम जब भी भेजेंगे तो डिफरेंस दोनों का भेजेंगे, इसीलिए इसको डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन कहते हैं। ओके, तो डिफरेंस भेजेंगे तो पहले जहां हमको 3 का वोल्ट का हमको जैसे कि एम्पलीट्यूड भेजते थे उसको क्वांटाइज करना चाहिए था, तो अब हमको कितना 0.5 को 0.4 को क्वांटाइज करना पड़ रहा है, मतलब कि क्वांटाइजेशन अब बहुत कम एम्पलीट्यूड वाला करना पड़ रहा है। तो इसका मतलब ये हो कि नंबर ऑफ बीट कम यूज करेंगे। ओके, तो इसमें क्या होता है, नॉइज होने के चांसेस कम होगा, है ना। तो देखते हैं DPCM, तो समझ में आया कि डिफरेंस ऑफ द टू सक्सेसिव जो सिग्नल है उसको हम लोग उसमें क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। तो यहाँ देखते हैं एक मैसेज सिग्नल है, DPCM ट्रांसमीटर है जिसका डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन है, इसमें एक मैसेज सिग्नल है और एक सैंपलर। तो मैसेज सिग्नल वो सिंपल जो जानते हैं, मान लिए 3 4 ऐसे करके इसको एम्पलीट्यूड में हम लोग तोड़ेंगे तो सैंपलर हो गया। अब क्या हो गया, इसमें DPCM एक प्रिडिक्टर से प्रिडिक्शन या प्रिडिक्टर लगाते हैं, जो फिल्टर क्या होता है, एक प्रिडिक्टर फिल्टर होता है जो क्या करता है कि जो मैसेज सिग्नल है ना, उसी के रिगार्ड में प्रिडिक्ट करता है और दोनों के जो डिफरेंस है उसको हम लोग क्वांटाइज करते हैं। मतलब कि एक मैसेज सिग्नल ये है और दूसरा एक प्रिडिक्टर है जिसका यहाँ पे आउटपुट आएगा। ओके, तो देखते हैं प्रिडिक्टर क्या काम करता है। तो देखते हैं, ये सैंपलर है तो इसको सैंपल था तो टी के टर्म में था, अभी सैंपल इसको टाइम के टर्म में छोटा छोटा सैंपल में तोड़ दिया तो इसको NTS हो गया। NTS का मतलब पहला TS दूसरा TS, N के जगह वैल्यू डालेंगे तो उतना उतना टाइम पीरियड में टूटना चल जाएगा, टाइम स्पैन में टूटेगा। उसके बाद शुरू में क्या करते हैं, प्रिडिक्ट
रिजेक्शन फिल्टर का आउटपुट हम लोग इनिशियल में क्या कर रखते हैं, जीरो रखते हैं। एम बार क्यू टी जो है आउटपुट है ये है, यहाँ से जो जाएगा इस समर को, समर का दो इनपुट होगा एक ये एक ये, तो ये जो जाएगा वो प्रिडिक्शन फिल्टर का आउटपुट होगा। तो इसको माइनस इसको करेंगे तो हमारा ये आएगा, ओके, ये माइनस में नीचे, तो ई जो है एरर आ गया, मतलब जो मैसेज सिग्नल को सैंपल किया और प्रिडिक्शन फिल्टर का जो डिफरेंस हुआ उसको एरर बोलेंगे। इस एरर सिग्नल को इससे हम क्वांटाइज कर देंगे, है ना, मतलब इसको और इसको ऐड, इसको और इसको जो हम करेंगे तो ये आएगा, ऐड करेंगे तो मतलब ये इसका क्वांटाइज फॉर्म है। जैसे कि ये जीरो पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे 1.1 है और ये जीरो है, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 1.1 यहाँ आएगा, तो 1.1 को जब क्वांटाइज करेंगे तो 1 लेंगे क्योंकि वो 1 के आसपास है ना। उसी तरह जैसे 1.2 है तो 1.2 माइनस जो भी आएगा यहाँ से मिलेगा, है ना, तो उस तरह हम लोग देखते हैं। तो ये क्वांटाइज क्या करेगा, जो एरर सिग्नल आएगा उसको ही क्वांटाइज कर देगा, ओके ना। क्वांटाइज करने के बाद जो आउटपुट आएगा उसको इनकोड करके हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसमिट कर देंगे। जैसे 1 आया तो 1 को लिखेंगे 001, 0 आया तो 0002 आएगा तो 010, मतलब ऐसे करके इसको हम इनकोड करते जाएंगे जो कि ट्रांसमिट होगा ट्रांसमीटर पे DPCM का। और एक जो होता है इसका एरर का क्वांटाइज्ड वैल्यू, एक हम लोग क्या करते हैं, एक समर को देते हैं, दूसरा जो कि DPCM के जो कि प्रिडिक्टर के आउटपुट से कनेक्टेड होता है, ये दोनों का सम का जो आउटपुट होगा ये मैसेज का प्रिडिक्शन का इनपुट होगा, मतलब ये दोनों का सम जो होगा ये आएगा मैसेज का क्वांटाइज्ड एरर और जो कि प्रिडिक्शन का इनपुट होगा, ओके। तो अब हम लोग देखते हैं कैसे ये काम करता है। तो जैसे कि मान लिए कि हम सैंपल कोई सिग्नल लिए हैं और उसको हम सैंपल करके मान लिए 1.1 लिए, तो इनिशियल में हम प्रिडिक्टर फिल्टर का आउटपुट शुरू हमेशा जीरो रखेंगे, तो जीरो रखेंगे तो कितना 1.1 माइनस जीरो, 1.1 माइनस जीरो कितना हो गया 1.1 होगा। अब 1.1 जो होगा ये क्वांटाइजर से जाएगा तो उस क्वांटाइजर क्या करता है, राउंड अप वैल्यू लेता है, तो 1.1 को वो 1 मानेगा, तो यहाँ 1 आ गया। जब यहाँ 1 आ गया तो इनकोडर उसको इनकोड कर दिया, तो 1 को 3 बिट में इनकोड करेंगे, बाइनरी में लिखेंगे तो 001 आ जाएगा, ओके। तो यहाँ 001 भेजना होगा और इसी का एक जो होता है, इसी से एक आउटपुट जो 1 आया था वही 1 इसमें आ गया, है ना, और पहले से इसके पास जीरो था, इनिशियल जीरो था, तो 0+1 तो कितना हो गया 1 हो गया, फिर ये 1 आउटपुट देने लगा तो प्रिडिक्शन फिल्टर से भी आउटपुट 1 आ गया, है ना, जो 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 ये देगा वो प्रिडिक्शन फिल्टर का आउटपुट होगा, ये दोनों को सम करके, तो यहाँ आउटपुट 1 आ गया। अब ये जो है, अब हमको जो M bar MTS है जो प्रिडिक्शन फिल्टर का आउटपुट है वो कितना आ गया 1, पहले हम 0 लिए थे अब 1 आ गया। अब फिर दूसरा सैंपल लेते हैं 1.2, तो अब यहाँ आउटपुट 1 है तो 1.2 माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.2, तो 0.2 किसके क्वांटाइज करेंगे तो किसके बराबर है, 0 के बराबर है, क्योंकि 0.2 रहेगा तो 1 उसको नहीं ले सकते जब तक 0.5 से ज़्यादा नहीं रहेगा, तो ये जो डिफरेंस होगा 0.2 उसको जब क्वांटाइज करेंगे तो 0 आएगा, तो 0 आएगा तो उसको फिर हम लोग क्या करेंगे, इनकोड करेंगे, 0 को होता है 3 बिट में बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 0 0, और एक यहाँ आएगा तो एक यहाँ क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ये यहाँ 0 मिलेगा, है ना, इस समय पे, और यहाँ पे पहले से हमारा 1 था तो 0+1 कितना आ गया 1 हो गया। अब ये 1 इसको मिलेगा तो फिर ये 1.3 है तो 1.3 माइनस 1 करेंगे तो क्या आ गया, 0 आ गया, ओके, फिर यहाँ 0 आएगा और पहले से यहाँ पे हमारा 1 था, है ना। इस तरह करके हम लोग देखते हैं तो ये चार्ट मिलेगा, मतलब एम मैसेज सिग्नल दिए थे फिर 0 दिए, मतलब प्रिडिक्शन का आउटपुट तो मेरा 1.1 आया, और जब 1.1 आया तो इसको क्वांटाइज्ड करेंगे तो 1 आएगा, फिर MQNT जो कि हमारा दूसरा समर था, इसका आउटपुट MQNT इसका आउटपुट क्या आ गया, इसके अनुसार आ गया। इस चार्ट में हम लोग देखेंगे तो 0+1, शुरू में 0 लिए थे फिर 1 आया, तो इस तरह करते करते हम लोग देखते हैं ये हमारा इतना इसका आ गया, ये ट्रांसमीटर का वर्किंग आ गया, ओके। बार बार उसी वही प्रोसेस में रिपीट करेंगे। तो जैसे कि हम एक लास्ट वाला एग्जांपल लेते हैं, तो 1.7 है ना, तो जब 1.7 दिए हम यहाँ पे, यहाँ से सैंपल्ड हुआ इसको हम 1.7 वाला मिला, तो 1.7 मिला तो इसका आउटपुट उस समय कितना था, तो इसे पहले देखेंगे M bar QN 1 था, है ना, तो 1.6 माइनस 1, है ना, इसको माइनस करेंगे 1.7, ये इसे पहले वाला में था 1.7 के समय, जैसे जब हम यहाँ 1.7 लिए तो इससे पहले वाला में M bar NQT प्रिडिक्टर फिल्टर का आउटपुट ये था, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0.7, जो कि 1 के बराबर है ना, जो कि 0.7 हो गया 1 के बराबर है। है ना,
वन को फिर क्वांटाइज करके और यहाँ पे वन को क्वांटाइज करेंगे और इसका जो आउटपुट आएगा वो वन को लिखेंगे 001, फिर से इसमें वन था ऑलरेडी यहाँ से और वन इसमें दे रहे हैं, तो 112 वो 2 हो जाएगा। तो जब 2 हो जाएगा तो इसका आउटपुट यहाँ 2 मिलने लगेगा। फिर 1.7 लेंगे तो 1.7 माइनस 2 मतलब 0.3 है ना, जैसे यहाँ पे देखिए 1.7 माइनस 2 तो 0.3 आई, 0.3 को जब क्वांटाइज करेंगे तो 0 के आसपास आएगा, तो 0 के आसपास आएगा। तो फिर जो जब 0 आ गया यहाँ पे, ये 0 आया और 2 था इससे पहले वाला में, तो 0 प्लस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा है ना, ये 2 आ गया। इसी तरह करते करते हम लोग क्या होता है, जितना भी था उसका हम ट्रांसमिट करते हैं। उसी तरह रिसीवर साइड में भी क्या है कि रिसीवर साइड में भी यहाँ पे जो ट्रांसमिट सिग्नल किए बाइनरी के टर्म में 001 00 ये सब, अब उसको क्या करते हैं हम लोग डिकोड करेंगे, मतलब डिकोडर लगाएंगे तो बाइनरी में आ जाएगा। मतलब वन भेजे थे तो वन हो गया, जीरो भेजे तो जीरो हो गया, फिर जीरो हो गया तो जीरो, फिर वन तो वन और फिर 00। अब इसको क्या करें, प्रिडिक्शन पीरियड का आउटपुट शुरू में 0 होगा, यहाँ दोनों सम होगा, वहाँ जैसे प्लस माइनस था समर का, तो यहाँ प्लस प्लस दोनों होगा, तो 1 + 1 करेंगे तो फर्स्ट केस में 1 आया तो 1 इधर जाएगा और उसी का एक आउटपुट यहाँ आ जाएगा। तो अब दूसरा केस में यहाँ 1 आ गया, अब 1 और 0 करेंगे तो 1 और 0 करेंगे तो फिर आउटपुट 1 आ गया, दूसरा केस में भी सेकंड केस में भी आउटपुट 1 ही आ गया है ना, फिर यहाँ आ गया तो यहाँ 1 आ गया, फिर तीसरा केस में यहाँ से 0 डालेंगे थर्ड वाला 0 तो हो गया, फिर 1 आया, फिर फोर्थ वाला जब 0 डाले 1 डालेंगे तो 1 + 1 यहाँ 2 आ जाएगा है ना, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग, देखिए फोर्थ वाला में डालते 1 + 1 तो 2 आ गया। उसी तरह क्या करते हैं, उसके बाद जब यहाँ 2 आ गया तो 2 यहाँ से आ गया और यहाँ लास्ट में 0 है तो 2 + 0 है ना, जैसे यहाँ की देखिए लास्ट में यहाँ 0 है, यहाँ लास्ट केस में तो यहाँ से 2 गया और यहाँ 0 जाएगा, तो 2 + 0 कितना हो जाएगा, 2 आएगा। 2 को हम लोग अथी में मैसेज LPF लगा के मैसेज में कन्वर्ट कर देंगे। इस तरह सब जो है किसे इस फॉर्म में वो ट्रांसमिट होते चले जाएगा और डिकोडर डिकोड कर देगा इसमें। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसमें हम लोग डिफरेंस को है, जो दो समर है उसका डिफरेंस को, जो एरर सिग्नल आया दो मैसेज सिग्नल के डिफरेंस को हम लोग ट्रांसमिट करते थे, जबकि उसमें क्या होता था डायरेक्ट मैसेज का सैंपल के एम्पलीट्यूड को ट्रांसमिट करते थे, इसलिए उसमें क्या होता था कि उसका बैंडविड्थ ज़्यादा था, इसमें बैंडविड्थ बहुत कम लगेगा है ना, और क्वांटाइजेशन एरर भी कम हो जाए क्योंकि एम्पलीट्यूड ही कम ले रहे हैं, डिफरेंस ले रहे हैं, तो क्वांटाइजेशन एरर कम हो जाएगा। ठीक, ओके, थैंक यू।